दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? और आप लोग के लिए एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं, जो कि रतन टाटा की फेवरेट गाड़ी टाटा नैनो है। और इस गाड़ी में क्या कुछ फ्यूचर है और क्या कुछ है, वो आपको हम पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। उससे पहले आप एक बार यहाँ का नज़ारा देख लें, क्या बेहतरीन सा नज़ारा है। और इस गाड़ी के लिए हम स्पेशल देवघर के रूट में आए हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, ताकि गाड़ी का हम अच्छे से आपको डिटेल दे पाएँ और गाड़ी की अच्छी सी हम पूरी जानकारी दे पाएँ। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि गाड़ी में क्या कुछ है। गाड़ी की अगर हम सीसी की बात करें तो ये आपकी 624 सीसी के आसपास ये गाड़ी आती है। और इसकी अगर हम टायर की बात करें तो आपको बहुत प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा टायर मिल जाता है, जो कि 12 नंबर टायर है। और गाड़ी की अंदर की अगर हम बात करें तो चलिए आपको हम दिखाते हैं, बताने से अच्छा है कि आपको हम दिखा दें। तो गेट खोलते ही सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का एंट्रेंस मिलता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ यह है कि आपको डबल झमेला वाला हिसाब किताब इसमें रतन टाटा ने नहीं दिया है, क्योंकि इसी में आपको सिंगल हैंड में सब कुछ है। यहीं से आपका डिम डिपर होने वाला है और यहीं से आपकी वाइपर भी चलने वाली है। 624 सीसी के अंदर में आपको एसी आ जा रहा है, जो कि काफ़ी कंफर्ट एसी है। और चिल्ड के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी खासी ये आपकी चिल्ड भी करिए। साथ में आपको साउंड सिस्टम आगे आ जा रहा है, जो कि आप अपने हिसाब से साउंड सिस्टम इसमें लगवा सकते हैं। उसके साथ आपको सिंगल मिनरल आ जा रहा है और साथ में आपको एक लुकिंग ग्लास सामने आ जा रहा है, जो कि आप सामने की ओर देख सकते हैं। और इसमें एक अच्छी खूबसूरती बात यह है कि आपको चारों तरफ हम कहीं दिखाते हैं, देखिए कहीं पर भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि तेल टंकी कहाँ पर है। देखिए कहीं पर भी आपको ये नज़र आने वाला नहीं है कि तेल टंकी आपको मिल जाए। तो इसके लिए कंपनी ने आपके सामने में ये जो बोनट है, ये आप खोलकर इसके अंदर तेल टंकी आ जाता है। और इस गाड़ी की संबंधित में अगर आप हमसे कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर आप हमसे पूछ सकते हैं, या कुछ अगर आप इस गाड़ी के मामला में कहना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि। और इसकी अगर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की, जो इसकी टॉप स्पीड है वो आपकी 160 के आसपास, जो कंपनी के मीटर है वो 160 के आसपास दी हुई है, मगर हमने इसे टेस्ट ड्राइव करके देखा तो आपकी 70 से 80 में अगर इस गाड़ी को अगर आप चला रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा आपको महसूस होता है। और जिस बजट में ये गाड़ी कंपनी ने लॉन्च की थी, तकरीबन 2,04,000 2,05,000 के आसपास कंपनी ने इसे एक शोरूम लॉन्च किया हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं आज के मार्केट में ये गाड़ी पूरी तरीके से गैब हो गई है। और इस गाड़ी की जो हम प्राइस रखे हैं वो सिर्फ 41,000, ओनली 41,000 में आप इस गाड़ी को परचेस कर सकते हैं। आप हमसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉल करके ज़रूर बातचीत कर सकते हैं। हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह की गाड़ी आपके लिए हम लेकर आते रहें। और दाम की बात किया जाए तो आपको हमने दाम भी बता दिया है, और इस रेंज में आपको गाड़ी पेपर सहित मिलना नामुमकिन है, जो कि हमारे झारखंड नंबर में ये गाड़ी है, रांची नंबर आपका गाड़ी रजिस्टर किया हुआ है, जो कि फर्स्ट ओनर गाड़ी है। तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं एक और व्लॉग के साथ। आपको हम दिखाते हैं कि गाड़ी में जो ट्रांसमीटर है, कि गाड़ी कितने शिफ्ट की ये टाटा नैनो आई थी। तो इसके अगर हम गियर की बात करें तो इसमें 4 शिफ्ट गियर है और बैक गियर मिला के आपका 5 शिफ्टिंग गियर है, जो कि आपकी टोटल इसकी जो कैपेसिटी है गियर की वो 5 है। और इतने कम दाम में सर रतन टाटा ने निकाला था अपना टाटा नैनो, जो कि मार्केट में आते ही अचानक से ये कंपनी गाड़ी जो है वो गायब हो गई। और इसकी हम अगर
स्पीड की बात करें तो आप 70 से 80 के स्पीड में आराम से इस गाड़ी को चलाकर आप इसकी आनंद को ले सकते हैं। कम गियर होने के कारण आप 80 प्लस इस गाड़ी को नहीं चला सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो शिफ्टिंग गियर है वो आपका 5 होना चाहिए था, जो कि 4 में ही कंपनी ने इसे आकर लॉक कर दिया। और चलाने में काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी, कंफर्ट है चलाने में, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो गाड़ी की साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और इतने कम सीसी में इतनी बेहतरीन गाड़ी और इतने कंफर्ट बजट में कंपनी ने निकाली थी।